नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम शर्मा जन टीवी की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम मेडिटॉक्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक भयानक बीमारी कैंसर के बारे में। कैंसर क्या है, ये कैसे होता है, इसके लक्षण क्या हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ हैं SMS हॉस्पिटल की प्रोफेसर एंड यूनिट हेड और कैंसर एंड सर्जन स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुमिता ए जैन। डॉक्टर सुमिता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले ये बताएं कि ब्रेस्ट कैंसर क्या है और ये कैसे होता है। देखिए, शरीर में कोई भी कैंसर तब बनता है जब शरीर की कोशिकाएं होती हैं। हमारा जो शरीर है वो छोटी छोटी सेल्स यानी कोशिकाओं से बना हुआ होता है जी। जब भी ये शरीर की कोशिकाएं नियमित रूप से बनना या नष्ट होने की जो इनकी इनका प्रोसेस है वो अनियमित हो जाए या अनियंत्रित हो जाए तब एक कैंसर या ट्यूमर का निर्माण होता है। ऐसे ही ब्रेस्ट में जब ब्रेस्ट की कोशिकाएं नियमित रूप से बनने वाली जो प्रक्रिया है या नष्ट होने की प्रक्रिया इनकी अनकंट्रोल हो जाए, अनियंत्रित हो जाए तो एक ट्यूमर का निर्माण होता है। ऐसे ही ब्रेस्ट के ट्यूमर का निर्माण होता है जी, इसी को हम कैंसर कहते हैं जी। तो डॉक्टर, क्या हर तरह की गांठ ब्रेस्ट कैंसर होती है? नहीं, हर तरह की गांठ ब्रेस्ट कैंसर होती है, केवल वह गांठ, ब्रेस्ट की वह गांठ जो शरीर के दूसरे भागों में फैलने की क्षमता रखती है खून के या लिम्फेटिक सिस्टम के माध्यम से, जैसे ब्रेन में फैल जाए, फेफड़ों में फैल जाए, जिगर में फैल जाए, हड्डी में फैल जाए, जिनकी कोशिकाएं, जिस ट्यूमर की कोशिकाएं शरीर के दूसरे भाग में फैलने की क्षमता रखती है वही गांठ कैंसर की गांठ होती है। इसलिए हर गांठ कैंसर की गांठ नहीं होती। ऐसे ही ब्रेस्ट में भी 10 में से 10 पाई जाने वाली गांठों में से केवल एक गांठ ही कैंसर की गांठ होती है। इसके अलावा भी कई तरह की गांठें होती है, जैसे फाइब्रोएडिनोमा, डक्ट पेपिलोमा, सिस्ट, गैलेक्टोसिस और कई बार दूध जमा होने से भी गांठ बन जाती है जी, जी। इसलिए महिला घबराए नहीं, कभी गांठ पाए जाने पर अपने डॉक्टर को दिखाकर कंफर्म करें कि क्या ये गांठ कैंसर की गांठ है या नहीं है जी। डॉक्टर, तो ये बताएं ब्रेस्ट कैंसर कितने टाइप का होता है और उसमें कौन सा सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है? ब्रेस्ट कैंसर तीन तरह का होता है। एक होता है डक्टल कार्सिनोमा, एक होता है लोब्यूलर कार्सिनोमा और एक होता है इन्फ्लामेटरी ब्रेस्ट कार्सिनोमा जी। इनमें से जो इन्फ्लामेटरी ब्रेस्ट कार्सिनोमा होता है वो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होता है। इन्फ्लामेटरी, तो ये क्या है, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? ये अक्सर जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं हाँ जी, या लैक्टेटिंग होती हैं, फीडिंग करा रहे होते हैं, उस टाइम पे ये पाया जाता है। और ये जब भी पाया जाता है तो ये शुरू से ही थर्ड स्टेज में ही इसकी पहचान की जाती है। महिला को पता भी नहीं चलता कि इसके कैंसर हो रहा है और बहुत फास्ट ग्रोइंग होता है तो महिलाओं को इसका, हालांकि बहुत कम मात्रा में पाया जाता है लेकिन जब होता है तो बहुत क्रिटिकल होता है जी। तो डॉक्टर, आप इस बारे में क्या कहेंगे कि ये बीमारी अब बढ़ रही है या कम हो रही है और गाँव और शहरों की महिलाओं में क्या अलग अलग संभावनाएं हैं? बिल्कुल, ये बीमारी हमारे भारत में या किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत तेजी से बढ़ रही है जी। भारत में इसके बढ़ने की रेट है 2% पर ईयर जी। फिर भी अभी हम लोग लकी हैं कि हम लोगों ने जो वेस्टर्न इंसिडेंस है उसको टच नहीं किया है। अभी भी यदि हम एक वेस्टर्न कंट्री को देखें, डेवलप्ड कंट्री को देखें तो उससे इसकी संभावना अभी भी कम है, लेकिन फिर भी भारत में तेजी से बढ़ रहा है। और इस समय जो सारे कैंसर पाए जाते हैं महिलाओं में उसमें से ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 कैंसर हो गया है और इसकी संभावना शहरी महिलाओं में ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है वनस्पति ग्रामीण महिलाओं से जी। ये कैसे पता लगता है डॉक्टर कि ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं है, सेल्फ लेवल पर चेकअप से या हॉस्पिटलाइज होने के बाद? नहीं, एक महिला भी ब्रेस्ट कैंसर की पहचान बहुत आसानी से कर सकती है लेकिन इसके लिए जरूरी है अवेयरनेस की। महिला को पता होना चाहिए कि ब्रेस्ट कैंसर के क्या क्या लक्षण है जी। जैसे कि दर्द रहित गांठ एक इसका प्रमुख लक्षण है। किसी भी महिला को यदि ब्रेस्ट में किसी भी तरह की एक गांठ पाई जाए तो उसको इमीडिएटली अपने डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए। इसके अलावा निप्पल से खून का बहाव जी, किसी ऐसा स्तन के चमड़ी पे किसी भी तरह का असाधारण घाव हो जाए, लालपन आ जाए, सूजन हो जाए जी, या बगल में उसकी गांठें हो जाए तो उसको हमेशा अपना डॉक्टर से अपनी चेकअप करा दीजिए। मतलब किसी भी तरह की कोई भी गांठ हो हमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए तुरंत। पर्सनल लेवल पे हम इसको मतलब नहीं देख सकते हैं ऐसा? पर्सनल लेवल पे हम इसकी पहचान कर सकते हैं। अच्छा, पहचान कर सकते हैं, कंफर्म तो डॉक्टर से ही करना। तो सिम्टम्स यही हैं जो अभी आपने बताए हैं? बिल्कुल। इसके अलावा जैसे आपने बताया था दूध की मतलब जो बच्चों को फीड कराते हैं उन महिलाओं में गांठ बन जाती है छोटी छोटी, तो उसको लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है? परेशान होने की जरूरत नहीं है लेकिन उसको कंफर्म कराने की जरूरत है जी। अब वो अपने डॉक्टर के पास जाए और कंफर्म कराए कि क्या ये जो गांठ है जी वो दूध के इकट्ठा होने के कारण है या कैंसर की गांठ है या कोई और गांठ है जी। तो डॉक्टर, इस कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इंडिया में क्या अवेलेबल है? मतलब इंडिया में अब कैंसर का ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट जो एक वर्ल्ड में होता है, पूरे संसार में जो इंटरनेशनल ट्रीटमेंट होता है वो सारे तरह के ट्रीटमेंट इंडिया में अवेलेबल है, जैसे कि सर्जरी, ऑपरेशन, कीमोथेरेपी, कैंसर के इंजेक्शन, रेडियोथेरेपी, सेक, हार्मोन थेरेपी जो इसमें हार्मोन की गोलियां दी जाती है, और इसके अलावा टारगेटेड थेरेपी
ये पांचों तरह के ट्रीटमेंट अब इंडिया में उपलब्ध है, इसलिए किसी को भी यदि ब्रेस्ट कैंसर पाया जाता है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सारे तरह के ट्रीटमेंट इंडिया में भी अवेलेबल है। जी तो डॉक्टर, अब स्तन कैंसर वाली महिलाओं को क्या स्तन निकलवाने की जरूरत है? क्योंकि आजकल स्तन निकालने का जो ऑपरेशन है जो कहलाता है मेस्टेक्टमी, जी वो बहुत ही कम महिलाओं को, 2-3% महिलाओं को जरूरत है स्तन कैंसर में स्तन को निकलवाने की। जी इसके अलावा जो नए ट्रीटमेंट आ गए हैं उसमें है ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी, जिसमें पूरे स्तन को आराम से बचाया जा सकता है केवल स्तन के कैंसर की, जो स्तन कैंसर की गांठ को निकालने के बाद में। और दूसरा है SSM, स्किन स्पेयरिंग मेस्टेक्टमी, जिसमें स्तन के अंदर से हम जो कैंसर की गांठ है और जो स्तन के जितने भी मांस है उसको सारे को निकाल के शरीर का ही नया मांस डाल देते हैं ताकि वापस स्तन को साथ के साथ बना लें। जी तो महिला को यही फील होता है कि उसका स्तन एज इट इज प्रिजर्व्ड है। जी तो इसलिए आजकल मेस्टेक्टमी कराने की जरूरत नहीं, आप BCT या SSM के माध्यम से अपने स्तन कैंसर का ऑपरेशन करा सकते हैं। जी तो डॉक्टर, किस एज ग्रुप में कैंसर का खतरा ज़्यादा है? आपके क्वेश्चन बहुत अच्छा है पूनम जी। जी बिकॉज महिलाओं को पता होना चाहिए कि 50 वर्ष से जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे स्तन कैंसर का खतरा बढ़ता जाता है, इसलिए हर महिला को 50 बल्कि 45 साल से ही अलर्ट हो जाना चाहिए, अपनी समय समय पर चेकअप कराना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर मेमोग्राफी या सोनोग्राफी करवानी चाहिए। जी तो डॉक्टर, क्या कैंसर एक जेनेटिक डिजीज़ है? हाँ, कैंसर बिल्कुल जेनेटिक डिजीज़ है। जी 5% महिलाओं में कुछ जीन्स पाई जाती है BRCA1 एंड BRCA2, यदि वो जीन पाई जाती है तो उन महिलाओं में कैंसर होने की संभावना 30% तक बढ़ जाती है। तो डॉक्टर, जैसे एक आम महिला को किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए? आम महिला को कैंसर के लक्षण के बारे में पता होना चाहिए, जी नंबर एक, और कैंसर के जो रिस्क फैक्टर्स हैं जिन्हें हम कहते हैं हाई रिस्क फैक्टर्स, उनके बारे में पता होना चाहिए। वो फैक्टर्स हैं, यदि पहला तो वैसे ही हमारा महिला होना ही एक फैक्टर है क्योंकि महिलाओं में ही स्तन कैंसर ज़्यादा पाया जाता है। दूसरा है, यदि किसी महिला के घर में माँ को या बहन को कैंसर है, स्तन कैंसर है, तो उसको अपना समय समय पर इलाज चेकअप कराते रहना चाहिए। उसके अलावा यदि किसी महिला की जो मासिक धर्म है वो जल्दी आया हो, 13 या 14 साल के पहले आ गया हो, या किसी महिला का मासिक धर्म लेट गया हो, 50 साल के बाद जा रहा हो, तो उसको भी अपना चेकअप समय पर नियमित ढंग से कराना चाहिए। इसके अलावा जो सबसे बड़ा कारण है वो है ब्रेस्ट फीडिंग, यदि किसी महिला ने या तो बच्चे को दूध पिलाया नहीं, या लेट शादी की, 30 साल के बाद शादी की और 30 साल के बाद बच्चा पैदा किया और दूध पिलाया, या बच्चे को जो ड्यूरेशन है दूध का, जो ड्यूरेशन दूध पिलाने का ड्यूरेशन वो काफ़ी कम रहा है, या जिस महिला के बच्चे ही नहीं हुए, वो महिलाएं अपना नियमित चेकअप कराते रहे, क्योंकि वो महिलाएं हाई रिस्क में आ जाती हैं, उनमें ब्रेस्ट कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा जिस महिला ने मासिक धर्म जाने के बाद में हार्मोन रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट, एक हार्मोन की गोलियां होती है जो महिलाएं अक्सर खा लेती हैं अपने उसके सिम्टम्स को रोकने के लिए, यदि वो महिलाएं HRT पे हैं तो उनको भी अपना चेकअप नियमित रूप से करा लेना चाहिए। इसके अलावा जो महिलाएं अल्कोहल स्मोकिंग करती हैं, या जिनका मोटापा बढ़ रहा हो, तेज़ी से बढ़ रहा हो, या जो नॉनवेज डाइट ज़्यादा खाती हूँ, उन महिलाओं को भी अलर्ट रहना चाहिए क्योंकि उनमें कैंसर की संभावना बढ़ जाती है, तो उनको अपने नियमित चेकअप कराते रहना चाहिए। जी तो दोस्तों, अभी कार्यक्रम में वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, कहीं जाइएगा नहीं, और ये कैंसर पर बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और डॉक्टर सुमिता से और अधिक जानकारी लेते हैं। तो डॉक्टर सुमिता, जैसा कि आपने अभी बताया कि शहरी महिलाओं में कैंसर ज़्यादा होता है, इसका क्या कारण है? शहरी महिलाओं में कैंसर, स्तन कैंसर स्पेशली बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और इसका कारण है हमारा शहरीकरण, चेंज इन लाइफस्टाइल। जी क्योंकि शहरी महिला आजकल ज़्यादातर वर्क यानी नौकरी जॉब पे जा रही हैं, शादी लेट कर रही हैं, लेट शादी करने के कारण वो बच्चे को जो फीडिंग है, ब्रेस्ट फीडिंग है, वो लेट करा रही है, बच्चे या तो कम पैदा कर रही हैं या जो फीडिंग का ड्यूरेशन है वो कम हो रहा है, तो इसके कारण शहरी महिलाओं में स्तन कैंसर की संभावना तेज़ी से बढ़ रही है, एक कारण तो ये है। दूसरा हमारा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, जो शहर में क्योंकि बाहर निकल रही महिलाएँ तो वो पॉल्यूशन का जो एक्सपोजर है
वो भी उनका बढ़ रहा है, तीसरा उनका फिजिकल एक्टिविटी उनकी कम हो रही है, उनका जो मोटापा है वो बढ़ रहा है, जंक फूड ज़्यादा खाने लगी है, नॉनवेज डाइट, स्मोकिंग, एल्कोहल, उसका कंजम्पशन भी शहरी महिलाओं में बढ़ गया है, इसके कारण शहरी महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की संभावना तेज़ी से बढ़ रही है। जी, तो डॉक्टर जैसा कि आपने बताया कि महिलाओं के स्तन में जो गांठ पाई जाती है, तो उसका पता चलने पर मतलब कौन कौन से उपचार करने चाहिए? महिलाओं में जब स्तन कैंसर की गांठ का पता चल जाता है कि ये गांठ है, तो महिला को अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए और उसको अपने हर वो चेकअप जो डॉक्टर बताता है उसके थ्रू जाना चाहिए और करवाना चाहिए, ताकि कन्फर्म कर ले कि गांठ कैंसर की गांठ है या नहीं है। जैसे कि सबसे पहले मेमोग्राफी या सोनोग्राफी, यदि महिला 40 वर्ष से छोटी है तो सोनोग्राफी करवानी चाहिए और 40 वर्ष से बड़ी है तो मेमोग्राफी करवानी चाहिए। एक बार उसमें कंफर्म हो जाए कि इसमें गांठ है या कोई कैंसर का लक्षण आ रहा है, तो उसको फिर एफएनएससी या बायोप्सी करवानी चाहिए। एफएनएससी में हम कुछ भी नहीं है, महिला एफएनएससी के नाम से बहुत डरती है, लेकिन एफएनएससी में हम केवल इंजेक्शन के माध्यम से गांठ के कुछ कोशिकाओं को सेल को लेके उसको पैथोलॉजी टेस्ट के लिए भेजते हैं, और उससे 90 से 95% तक कन्फर्म हो जाता है कि गांठ कैंसर की गांठ है या नहीं है। कई बार एफएनएससी से हमको पता नहीं चलता कि गांठ कैंसर की गांठ है या नहीं है, ऐसे में हम लोग बायोप्सी या ट्रूकट बायोप्सी करते हैं, जिसमें अगेन एक सिरिंज होती है, स्पेशल सिरिंज होती है, उसके माध्यम से हम लोग जो कैंसर की गांठ है उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं, उसको जांच के लिए भेजते हैं, उससे कन्फर्म हो जाता है कि गांठ कैंसर की गांठ है या नहीं है। कई बार ट्रूकट बायोप्सी से भी हमें पता नहीं चलता कि गांठ कैंसर की गांठ है या नहीं है, ऐसे में हम पूरी गांठ को निकाल के जाँच के लिए भेजते हैं, जिसको हम लोग एक्सीजन बायोप्सी कहते हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये गांठ कैंसर की गांठ है या नहीं। जी, तो डॉक्टर जैसा अभी आपने बताया कि सोनोग्राफी और मेमोग्राफी, यानी 40 से कम है तो सोनोग्राफी करानी चाहिए और उससे ज़्यादा मेमोग्राफी, बिल्कुल, तो इनमें क्या डिफरेंस है सोनोग्राफी और मेमोग्राफी में? सोनोग्राफी में रेडिएशन नहीं जाता है जी, तो सोनोग्राफी आप कितनी बार कराएं कोई नुकसान नहीं है जी, लेकिन मेमोग्राफी में रेडिएशन जाता है, तो इसलिए मेमोग्राफी आपको केवल डॉक्टर इंडिकेट करे तो ही करानी चाहिए, नहीं तो नहीं करानी चाहिए, बिकॉज 40 वर्ष से नीचे ब्रेस्ट जो होती है वो एक्टिव ब्रेस्ट होती है, इसलिए उसमें मेमोग्राफी कराने से हमें ज़्यादा अच्छी गांठ की पिक्चर नहीं मिल पाती। जी जी डॉक्टर, तो अभी आपने जो स्तन कैंसर के लिए चेकअप्स बताए थे, उनके अलावा भी कोई और चेकअप की ज़रूरत है महिलाओं को? बिल्कुल, एक बार ये पता चल जाए कि ये गांठ कैंसर की गांठ है जी, तो महिलाओं को और कई तरह के चेकअप से गुजरना पड़ता है जी, ये मालूम करने के लिए कि गांठ शरीर के किस भाग में फैली हुई है, कैंसर किस भाग में फैला हुआ है, जैसे कि छाती का एक्सरे, चेस्ट एक्सरे, सोनोग्राफी पेट की, ये देखने के लिए पेट में तो नहीं फैला हुआ है, लीवर फंक्शन टेस्ट, ये देखने के लिए जिगर में तो नहीं फैला हुआ है, एंड बोन स्कैन, ये देखने के लिए कि कैंसर हड्डी में तो नहीं फैला हुआ है जी, तो ये हमको चारों जांचें करानी चाहिए, और उसके बाद में डॉक्टर कंफर्म करता है कि आपके शरीर में गांठ कहीं फैली हुई है या नहीं है, इससे हमें पता चलता है कि महिला कौन सी स्टेज में है, कैंसर कौन सी स्टेज में जी। तो डॉक्टर, स्तन कैंसर की कितनी स्टेजेस हैं? हर महिला को पता होना चाहिए कि स्तन कैंसर की वह कौन सी स्टेज में उसका कैंसर डिटेक्ट हुआ है जी। इसलिए हमने जो कैंसर है उसको 4 स्टेज में डिवाइड किया हुआ है, स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। स्टेज 1 में गांठ छोटी होती है और बगल में जो लिम्फ नोड होता है उसमें फैल सकती है और नहीं भी फैल सकती। स्टेज 2 में गांठ का साइज जो होता है थोड़ा बड़ा हो जाता है और गांठ बगल यानी एक्सिला जो काक होती है उसमें फैलने लग जाती है जी। लेकिन अभी भी वो बगल में या स्तन में ही सीमित है। स्टेज 3 में जो स्तन की चमड़ी है उसमें लालपन आ सकता है, उसमें छोटी छोटी गांठें बन सकती है, उसमें घाव हो सकते हैं या उसके कॉलर बोन के ऊपर गांठ आ सकती है, तो वो स्टेज 3 का कैंसर होता है। स्टेज 4 में कैंसर शरीर के किसी भी भाग में फैल जाता है जी। वो छाती में, हड्डी में या पेट में, जिगर में, कहीं भी फैल जाता है तो स्टेज 4 कहलाता है जी। तो डॉक्टर, जैसा कि आपने बताया अभी कि स्टेज का पता होना चाहिए महिला को, तो उससे क्या ट्रीटमेंट में हेल्प मिलती है? बिल्कुल, जो कि हर स्टेज का एक अलग ट्रीटमेंट होता है, डॉक्टर डिसाइड करता है स्टेज देखने के बाद में कि महिला को कौन सा ट्रीटमेंट देना है। कभी ऑपरेशन पहले करते हैं, कभी हम कीमोथेरेपी पहले देते हैं, कभी हमें हार्मोन थेरेपी पहले देनी पड़ती है, कभी हमें टारगेटेड थेरेपी पहले देनी पड़ती है, तो किस महिला में कौन सा ट्रीटमेंट करना है वो उसकी स्टेज पर फर्क पड़ता है। इसलिए कभी भी महिला दूसरी महिलाओं को कंपेयर नहीं करे जी, उसने क्या ट्रीटमेंट कराया, मैंने क्या ट्रीटमेंट कराया, दो महिलाओं का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है, ये महिलाओं को, इसलिए महिलाओं को स्टेज की जानकारी होना बहुत जरूरी है जी। तो डॉक्टर, स्तन कैंसर की महिलाओं की जो स्टेज है उसका उनकी उम्र पर क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल पूनम जी, महिला को पता होनी चाहिए कि कौन सी स्टेज में है, क्योंकि स्टेज 1 में 90% से ज़्यादा महिलाएं अपनी जो 10 साल का जीवन है बहुत आराम से निकाल लेती हैं जी। यदि स्टेज 2 हो गई जी, तो उसके जो जीने की संभावना है थोड़ी कम हो जाती है, वो 60 से
70-80% तक रह जाती है, स्टेज थ्री में ये 40-60% तक रह जाती है, और स्टेज फोर यदि हो जाती है तो 25% से भी कम महिलाएं 5 साल से ज़्यादा जीवित रहती हैं। इसलिए स्टेज से उसकी जीवन आयु का पता चलता है, हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि महिला कितने वर्ष तक जीवित रहेगी। लेकिन यदि बहुत ही अर्ली ब्रेस्ट कैंसर है जिसमें ट्यूमर का साइज 1 सेंटीमीटर उससे छोटा है, तो महिला इससे पूर्णतः ठीक भी हो जाती है। जी डॉक्टर, तो जैसा कि आपने बताया कि इस कैंसर के इलाज के लिए बहुत सारी औपचारिक पद्धतियां हैं, तो क्या हर महिला को इन पद्धतियों से गुजरना पड़ता है? इसमें जैसे मैंने बताया कि 4-5 ट्रीटमेंट है, ऑपरेशन, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी। लेकिन महिला की स्टेज जी, महिला का जो उम्र है जी, महिला का मेनोपॉजल स्टेटस, महिला के अभी मासिक धर्म आ रहा है या मासिक धर्म चला गया है, महिला की फाइनेंशियल कंडीशन, आर्थिक स्थिति, और इसके अलावा जो हम ERPR एक टेस्ट कराते हैं महिला हार्मोन के लिए, वो टेस्ट के बाद हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी महिला को कौन से ट्रीटमेंट से गुजरना है। लेकिन ज़्यादातर महिलाओं को कैंसर स्टेज 1, 2, 3 के अंदर कैंसर के ऑपरेशन से तो गुजरना ही पड़ेगा। ट्यूमर का साइज 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो उसको कीमोथेरेपी भी लेनी पड़ेगी, और यदि महिला ने ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी कराई है या SSM कराया है तो उसको रेडियोथेरेपी भी लेनी पड़ेगी। हार्मोन थेरेपी केवल उन महिलाओं को दी जाती है जिसमें ERPR पॉजिटिव होता है, और टारगेटेड थेरेपी केवल उनको दी जाती है जिसमें HER2-new एक टेस्ट कराया जाता है, वो पॉजिटिव आता है। तो डॉक्टर, नॉर्मली कैंसर में सुनने को मिलता है कि कीमोथेरेपी है पेशेंट की, और उसमें ये भी जाना जाता है कि किसी के बाल उड़ जाते हैं आई थिंक, तो ऐसा कुछ होता है कीमोथेरेपी में? कीमोथेरेपी एक स्पेशल तरह के कैंसर के इंजेक्शन है जो कैंसर के कणों को मारते हैं, स्पेशली जो कैंसर के कण शरीर के दूसरे भागों में फैल गए हैं उन कणों को मारते हैं, ताकि कैंसर का ट्रीटमेंट होने के बाद कैंसर दोबारा वापस शरीर में नहीं आए। कीमोथेरेपी के इंजेक्शन, जो कैंसर के इंजेक्शन होते हैं, डेफिनेटली इनके सबके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन जीवन को बचाने के लिए साइड इफेक्ट्स को महिला को झेलना पड़ता है। लेकिन आजकल कई तरह की ऐसी दवाइयाँ मार्केट में आ गई हैं जिससे हम इन साइड इफेक्ट्स को कम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बाल का झड़ना, थोड़ा बहुत मुँह का स्वाद खराब होना, थोड़ा सा उल्टी का मन रहना या थोड़ा बहुत बुखार आना, ये एक नॉर्मल वो है। इनके हम दवाइयों से इनके प्रभाव को कम तो कर देते हैं, लेकिन यदि ये ज़्यादा हो तो अपने डॉक्टर से कीमोथेरेपी लेने के बाद वापस से कंसल्ट कर लेना चाहिए ताकि उसके प्रभाव को कम कर दें। जी, तो जैसे डॉक्टर ने सजेस्ट किया कैंसर में कि कीमोथेरेपी होगी पेशेंट की, और वो कितने टाइम तक चलती है, जैसे 1 मंथ 2 मंथ जो भी है, तो क्या कीमोथेरेपी के बाद ये श्योर है कि पेशेंट ठीक ही हो जाएगा? कीमोथेरेपी यूजुअली हम लोग 21 दिन में देते हैं जी, और अक्सर इसके 6-8 कोर्सेज लगते हैं, डिपेंड करता है हम कौन से वाली कीमोथेरेपी दे रहे हैं। और कीमोथेरेपी के देने के बाद में कम से कम महिला का जो स्टेज है वो डाउन स्टेजिंग हो जाती है, यदि महिला तीसरी स्टेज में तो महिला दूसरी स्टेज में आती है, दूसरी स्टेज में तो पहली स्टेज में आती है। बट ये फिर डिपेंड करता है कि कीमोथेरेपी उसके शरीर को कितना इफेक्ट कर रही है। कोई कीमोथेरेपी किसी महिला को ज़्यादा इफेक्ट करती है, कोई कीमोथेरेपी किसी दूसरी महिला को ज़्यादा इफेक्ट करती है। आजकल वेस्ट में, US और बाहर की कंट्रीज़ में बल्कि एक जीन टेस्ट भी आ गया जिससे हम पता कर सकते हैं कि ये कीमोथेरेपी पर्टिकुलर महिला को अच्छा रिस्पांस देगी, ये कीमोथेरेपी पर्टिकुलर महिला को थोड़ा कम रिस्पांस देगी। जी, तो डॉक्टर आप ये बताएं कि इन दिनों ये सुनने में आया है कि मोबाइल टावर रेडिएशन से कैंसर का खतरा बढ़ गया है, और उससे कई जानें भी जा चुकी हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मोबाइल टावर रेडिएशन से खतरा बढ़ तो रहा है, लेकिन हमको ये देखना पड़ेगा उस एरिया के पर्टिकुलर एरिया में जहाँ भी मोबाइल टावर्स हैं उस एरिया में हमको रेडिएशन की डेंसिटी को चेक करना चाहिए कि रेडिएशन एक्सपोजर कितना हो रहा है जी। इसका एक सेफ लेवल होता है और एक डेंजरस लेवल होता है। यदि सेफ लेवल में है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, यदि डेंजरस लेवल में तो डेफिनेटली मोबाइल टावर को हटाना चाहिए क्योंकि किसी भी तरह का रेडिएशन शरीर के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन एक परमिसिबल अमाउंट होता है वो हम सब एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो डॉक्टर ये भी बताएं दर्शकों कि मोबाइल टावर रेडिएशन से सिर्फ कैंसर का ही खतरा है या और भी कोई बीमारी हो सकती है? रेडिएशन से मेनली कैंसर होता है, यानी कि ये जो आजकल बात चल रही है हियरिंग। अच्छा, हियरिंग प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो आजकल जो ये मामला सामने आ रहा है कि हाँ रेडिएशन से कैंसर का खतरा है और कई जाने भी गई हैं, ये मामला सही है? बिल्कुल, सरकार को उस एरिया में रेडिएशन डेंसिटी को चेक कराना चाहिए कि रेडिएशन जो आ रहा है वो परमिसिबल रेंज में है या नहीं। ओके, उसके बाद ही मतलब वहाँ टावर लगा सकते हैं या नहीं जो भी है। ओके, तो डॉक्टर एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगी, हमने सुना है आप इस फील्ड में कोई सामाजिक कार्य भी कर रही हैं, उसके बारे में कुछ खुलकर बताएं दर्शकों को। बिल्कुल, मैं SMS हॉस्पिटल में तो एक कैंसर स्पेशलिस्ट के रूप में कैंसर के फील्ड में स्पेशली महिलाओं को
ब्रेस्ट पर गायनी कैंसर के रूप में काफ़ी नियमित चेकअप कर रही हूँ, उनको उनका ट्रीटमेंट जो है वो भी रेगुलर बेसिस पर। इसके अलावा मैं ब्रेस्ट पर गायनी कैंसर के फील्ड में एक सामाजिक कार्य कर रही हूँ। मैं वुमेन कैंसर सोसाइटी एक जो चल रही है उसकी प्रेसिडेंट हूँ जी। उसके माध्यम से मैं महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक व इमोशनल जो ट्रीटमेंट होता है वो दे रही हूँ। तो डॉक्टर, इन सारी जानकारियों के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी मुझे इस टीवी चैनल के माध्यम से जो कैंसर के पेशेंट्स हैं और जो जनरल पब्लिक है उसको कैंसर की जो ज्ञान देने का एक अवसर मिला है, उसके लिए आपकी टीवी चैनल को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कार्यक्रम में अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। तो जैसा कि आज आपने डॉक्टर सुमिता जैन से कैंसर के बारे में बहुत कुछ जाना, तो अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए जन टीवी। नमस्कार।